वेलकम टू माय चैनल जेपी क्रोचेट। आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपको ये न्यूबॉर्न बेबी के साइज़ का स्वेटर कैसे बनाया जाएगा बताऊंगी। ये स्वेटर पिंक कलर यार्न से, इस यार्न से बनाया है जिसे मैंने अपने बेबी का तकिया बना दिया है। ये मेरी बेबी है कृष्णा। शे हाय टू एवरीवन। और मैं स्वेटर, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप एक दो घंटे में बना लोगे अगर आप जल्दी जल्दी बनाते हैं तो। और ये सिर्फ डबल क्रोशिया से बनाया है और इसका एजिंग मैंने बस हाफ डबल क्रोशिया से किया है। इसमें दो ही स्टिच यूज़ किया है मैंने इसे बनाने के लिए। बेबी आप इधर बैठ जाओ। इसे बनाने के लिए मैंने ये ऊल, ये 4-ply का ऊल यूज़ किया है और 4.5 mm हुक यूज़ किया है। इसे आप देख सकते हैं 4.5 mm हुक है। और ये मैंने 4-ply ऊन यूज़ किया है मीडियम 4 weight। इस दोनों ऊन से बस ये दोनों और 3 button चाहिए जो मैंने आपको मैं दिखाती हूँ बेबी के, ये मैंने लगाए हैं 3 button। मेरी बेबी अभी पहन के तैयार हो गई है। इसे मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम योक बनाते हैं। योक कैसे बनाएंगे ये मैं बताती हूँ। हम 48 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
एक दो तीन, तीसरे चैन, दो चैन छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशेट बनाना है। ऐसे ही मुंह में सिक्स बनाने हैं। एक अब मैं चेन स्टिच को भी, एक चेन को भी मैं एक डबल क्रोशे की तरह गिनती हूँ। तो एक दो, दो हो गए और चार और बनाने हैं। तीन चार पाँच और छः, छः और बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले चेन में दो, एक बी स्टिच बनाना है। बी स्टिच कैसे बनाएंगे? फर्स्ट एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आपको डिटेल में देखना है, मैंने यहाँ भी बता दिया, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हाउ टू मेक डबल क्रोश, अच्छी सॉरी, हाउ टू मेक बी स्टिच। अब नेक्स्ट के नाइन डबल चेन में हमें नाइन डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक दो चार पाँच नौ,
डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे। अब फिर से नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट 12 चेन में डबल क्रोचेट बनाने हैं। नेक्स्ट 12 दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, ये 12 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए अब फिर से इस नेक्स्ट वाले चेन में, अगले चेन स्पेस में एक वी स्टिच बनाना है। एक चेन और फिर से उसी में हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट 9 चेन में हमें इस यहाँ जैसे बनाया था वैसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट 9 दो चार पाँच छः सात आठ नौ बार हमने ये डबल क्रोशेट बना लिया, नौ बार बना लिया। अब नेक्स्ट वाले में फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच वैसे ही बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट एक चेन और अगेन उसी में। अब इन में 6 डबल क्रोशेट, यहाँ पे हमारा 6 चेन होगा उसमें हम 6 डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच दो चार पाँच और ये छः, छः बार हमने, ये देखिए हमारा पहला राउंड स्वेटर का बन के तैयार हो गया। यहाँ पे ये चार कॉर्नर हो गए, एक दो तीन चार। अब आगे वीडियो में जब भी मैं वी स्टिच बोलूँगी तब समझ लेना ये मैं कॉर्नर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो हमने बनाए हैं। अब हम सेकेंड बनाते हैं, अब दूसरा रो शुरू करते हैं। अब हम फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। यूजुअली हम तीन चेन लेते हैं और यहाँ से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है ये चेन से ना हमारा हमारा तिरछा हो जाता है। स्ट्रेट कैसे बने इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आप बिना कोई धागा लिए जो पहले वाला स्टिच है उससे एक, जैसे हम सिंगल क्रोचेट बनाते हैं, सिंगल क्रोचेट बना लिए। अब जो ये सिंगल क्रोचेट है उसी में यहाँ इस लूप में नहीं, पहले में नहीं, दूसरे लूप में एक बार और लेके सिंगल क्रोचेट बना लेंगे और फिर से हम वही करेंगे। दूसरे सिंगल क्रोचेट में फिर से सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे आप हमेशा आपका ये स्ट्रेट रहेगा और आपकी गिनती भी सही रहेगी। अब कॉर्नर तक जितने भी स्टिच हैं सब में एक एक डबल स्टिच बना लेंगे।
तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, सात और आठ। सात, आठ, आठ बार हमने डबल क्रोशेट बना लिया, ये दो डबल क्रोशेट बढ़ गया। अब हम फिर से, हमें यहाँ पे भी एस स्टिच बनाया है, वहीं पे फिर से हम भी एस स्टिच बनाएंगे, उसी भी एस स्टिच के अंदर हम फिर से भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन अगेन, इसी में डबल क्रोशिया। ये हमारा नेक्स्ट वी एस स्टिच तैयार हो गया। अब नेक्स्ट के नाइन, ये जो मैंने बनाए थे, अगले वी एस स्टिच तक, अगले कॉर्नर तक जितने भी स्टिच हैं उन सब में एक 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 डबल क्रोशिया बनाना है। तीन, चार, दो, चार, पाँच, छः, सात, दस और 11। नेक्स्ट राउंड में हमारा ये फर्स्ट राउंड में 9 था, इस बार 11 हो गया। अब इस वी स्टिच में फिर से वी स्टिच बना लेंगे। चेन और अगेन वी स्टिच। अब ये जो हमारा नेक्स्ट, ये जो हमारे सब 12 स्टिच थे उसमें फिर से एक एक स्टिच बनाना है। एक, पांच, सॉरी, अगर आपको स्लो देख करना हो तो वो अपना स्पीड सेटिंग कर लेने कर सकते हैं, और उसमें स्लो आपको, और स्लो का ऑप्शन रहता है सेटिंग वाले बटन में, आप उसे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट कॉर्नर तक आ गए। इस बार हमें दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, चौदह, हर में दो दो बढ़ जाता है ये। और फिर से इस कॉर्नर कॉर्नर पे बी स्टिच बना लिया। अब नेक्स्ट में फिर से सब में 11 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 9 जो था वो इस बार 11 हो जाएगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये लास्ट वाले वी कॉर्नर में फिर से एक बी स्टिच बनाएंगे, चैन वन एंड अगेन डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट बना लिया। अभी लास्ट के सिक्स स्टिच में, लास्ट के सेवन स्टिच हो गए, इनमें हमें एट हो जाएगा ऐसा। पिछली बार सब सिक्स था, अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लास्ट वन एट। हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। देखो तीन चार कॉर्नर हुए, ये पीछे का होगा और ये दोनों आगे का है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए है इसलिए बहुत छोटा सा लग रहा है। आप इसे बड़े साइज में बना सकते हो, बड़े साइज बनाने के लिए आपको या तो फाइव नंबर क्रोसेट का यूज़ करें या फिर फाइव टेन फाइव टू सेवन चेन ज़्यादा बना लें। राउंड थर्ड सेम हमें, या तो आप तीन चेन से बना सकते हो वन टू थ्री, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं दो बार तीन बार। इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये स्ट्रेट रहते हैं और हमारी अब नेक्स्ट कॉर्नर तक सब में एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। पाँच एक दो तीन चार पाँच बार बन गया, छ सात आठ, और ये रहा गया। अब इस कॉर्नर में हम फिर से कुछ बना लेंगे अगेन, फिर हमें वही करना है इस कॉर्नर तक सब में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए आना है। सब में यहाँ तो बना लिया। अब नेक्स्ट कॉर्नर में फिर से हम एक एक बुनना है, चैन वन और फिर से एक वी स्टिच बना लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर तक सब में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए आएंगे। फिर ये तीसरा कॉर्नर, इसमें फिर से हम वी स्टिच बना लेंगे। अब
यहाँ से यहाँ चौथे कॉर्नर तक एक एक डबल स्टिच बनानी है। अब फिर से इस कॉर्नर पे वी स्टिच बना लेंगे। फिर नेक्स्ट सारे जो स्टिचेज हैं उसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारा तीसरा योग का तीसरा राउंड भी खत्म हो गया। इसी तरह से हम दो बार और टू मोर राउंड, एक दो तीन चार पाँच राउंड का मैंने योग बनाया है। पाँच राउंड का मैं योग बनाऊंगी क्योंकि मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मुझे 3 इंच ही चाहिए। और दो रो के बाद मैं आपको बताती हूँ, दो मोर रोज बना लीजिए। ये देखिए मैंने ये दोनों और तीन राउंड तक तो हम साथ बनाए थे, इसके बाद मैंने दो राउंड बना लिया है। ये पूरा का पूरा योक बन के तैयार हो गया है। ये योक मैं 15 इंच चेस्ट के लिए बना रही हूँ, देखिए 7 इंच, 7.5 इंच यहाँ आ रहा है और 7.5 इंच बैक साइड में आ रहा है। तो 15 इंच के लिए हमें 16 इंच बनाना होता है, 16 इंच बटन पट्टी और आर्म होल आर्मपिट के साथ तो हो जाएगा, मोर देन 16 इंच हो जाएगा। यह मैंने अपने इस बेबी के लिए बनाया है, आपको मैं दिखाती हूँ जो ये बेबी को कैसे फिट होता है। ये मेरी न्यू बॉर्न बेबी है और एक डॉल है, इसे रिबॉर्न डॉल कहते हैं। देखिए योक कैसे इसको फिट आता है, देखिए आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी को फिट आएगा, पूरी तरह से ये परफेक्ट है। यहाँ पे नहीं, इसी तरह से हम योक बना लेंगे। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ जो आगे कैसे स्वेटर का बॉडी कैसे आगे का पार्ट कैसे बनाना है। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।